नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एडवोकेट कुलदीप मलिक टीम रॉयल राइफल पर बहुत बहुत स्वागत है। कई दिन से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे Instagram पे कि अपडेट दीजिए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की, कहां तक जो ये केस पहुंचा है। अब 2 साल हो चुके हैं, सबको इंतजार है कि कब जस्टिस मिलेगा, कब वो लोग जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, जो 31 लोग थे जिनमें से 4 की मृत्यु हो चुकी है, वो 27 लोग और कुछ वो आरोपी जो अभी भी देश से बाहर बैठे हैं, उनको कब सजा होगी और कब हमें कह सके कि हाँ जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड टू सिद्धू मूसेवाला फैमिली एंड हिज फैंस। आप सबको बताऊं दोस्तों, अब जो लास्ट तारीख इस केस में गई है वो एक हिस्टोरिक तारीख थी, क्योंकि अब ये केस एक ट्रैक पे चल चुका है। और ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जल्दी इस केस में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आने वाली हैं और बहुत जल्द जस्टिस हैज़ बीन डिलीवर्ड वाली जो मैंने बात कही थी वो हो सकता है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ भी ये केस चल रहा है मानसा में, वहाँ से हमें मिलेगा। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने को, 3-4 पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कि स्टेज कौन सी चल रही है इस केस में, इसके बाद क्या उनके वकील ने कहा, अगली तारीख कौन सी है, साथ ही सिद्धू मूसेवाले के फादर का क्या बयान है कि अब 2 साल बाद वो इस कार्रवाई से खुश हैं या नहीं है। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग कमेंट भी करें नीचे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर किसी को कोई और सवाल है या किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए लीगली, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर सीधा मैसेज कर सकते हो, ADV कुलदीप मलिक के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। दोस्तों आपको बता दूँ, पिछली तारीख जो 1 तारीख को लगी थी मई में, उस तारीख पर जज साहब ने जितनी भी डिले की एप्लीकेशन लगी हुई थी इस केस में, आप सबको बता दूं डिले की एप्लीकेशन लगाई है 27 लोग अभी भी इसमें हैं, 31 लोगों का नाम था इस केस में, 4 की मृत्यु हो चुकी है, 27 लोग डिले की एप्लीकेशन लगाते गए जिसकी वजह से अब 2 साल तक भी चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाए। एक पूरा प्रोसीजर होता है, सबसे पहले जैसे एक मर्डर केस का ही एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है आती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर पुलिस चार्जशीट पेश करती है, ये मैं आपको बड़ी सिंपली समझा रहा हूँ, फिर पुलिस चार्जशीट पेश करती है, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं कि जो पुलिस ने चार्जेस लगाए हैं वो सही हैं या गलत, वो कोर्ट करता है। चार्जेस फ्रेम होने के बाद फिर ट्रायल शुरू होता है, गवाहियां होती है, सब चीज़ होती है, फिर एक फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है दोनों ही साइड से, इससे पहले एक प्लीड गिल्टी का भी एक वो होता है स्टेप, वो मैं आपको बताना भूल गया। फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जब जज साहब सबकी सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी जजमेंट देते हैं, जजमेंट के बाद अपील आप कर सकते हो कि आपको ये सजा है जो इससे आप खुश नहीं हो, आप हाईकोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, रिवीजन भी लगा सकते हो, अगर आपको ये लग रहा है सजा गलत है तो आप रिवीजन भी लगा सकते हो, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। लेकिन ये जो मेन चीज़ थी इस केस में जिसकी वजह से केस डिले हो रहा था वो यही थी कि चार्जेस फ्रेम नहीं हो पा रहे थे। अब चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, जो आरोप है वो तय हो गए हैं और अब गवाहियां वगैरह होंगी इसमें, उसके बाद बहुत जल्द हो सकता है कि इस केस में जजमेंट भी आ जाए। दोस्तों वकील साहब का यही कहना था कि हम जल्द से जल्द इस केस को जो है कम्प्लीट करवाना चाहते हैं और तारीखें भी बहुत जल्दी जल्दी इस केस में लग रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग यानी कि 27 लोग इस केस में हैं जो जिनका नाम है, उनको बुलाना, उनकी गवाहियां करना एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, हो सकता है इसमें टाइम लगेगा, पर याद रखना जस्टिस मिलेगा। सिद्धू मूसेवाले के फादर साहब से जब पूछा गया इस तारीख के बाद कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला मैं बहुत खुश हूँ और आज का दिन यानी कि जो पिछली तारीख कोर्ट में लगी थी उस दिन के लिए उन्होंने बोला कि आज का दिन, इस दिन का मुझे बहुत दिन से इंतजार था और चार्जेस फ्रेम होने के बाद अब जो है केस अच्छे से वो लड़ सकेंगे। दोस्तों आप सबको पता है ये इंडिया है, तो यहाँ हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, बहुत बार बोलता हूँ, बहुत स्लो है लेकिन पावरफुल बहुत है। इसका एग्जांपल मैंने बहुत बार आपको दिया भी हुआ है, आप उन लोगों को ही देख लीजिए जो लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे फिर गोल्डी बराड जैसे हों जो अभी बाहर हैं, ये लोग मीडिया में आके इंटरव्यू में आके तो बोल देते हैं कि हाँ हमने मारा है, इसलिए मारा है, हमारे भाई को मारा था, लेकिन ये जुडिशियल पावर है कि जैसे ही जज साहब के सामने ये लोग खड़े होते हैं, ये लोग मना करते हैं, ये अपने वकीलों पर बुलवाते हैं कि भाई हमने नहीं मारा, हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो उस जेल में बनते, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये पावर है हमारे जुडिशियल सिस्टम की कि आज नहीं तो कल जस्टिस तो होगा ही होगा, और चाहे देर लगे आए लगे, और जहाँ तक है ये जस्टिस ऐसा डिलीवर होगा कि आप लोग जो सिद्धू मूसेवाला को सपोर्ट करते हो, उनके फ़ैन हो, आप लोग खुश हो जाओगे कि हाँ भाई इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। यही एक शॉर्ट वीडियो थी, आगे कोई भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको दे दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दीप मलिक।